नमस्कार साथियों, आज टोहाना के अंदर जो कल बबली ने किसानों को गाली दी थी उसके खिलाफ में एक बड़ा प्रोटेस्ट यहां पे हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर आप देख रहे हो, हजारों किसान जो है सुबह से यहां पे टोहाना के अंदर डटे हुए हैं। और आज हम यहां पर टोहाना जो ये कोर्ट है उसके आगे जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर पूरा कोर्ट भरा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में हजारों किसान जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो बबली ने कल गालियां दी थी किसानों को, माँ बहन की गालियां दी थी, उसके खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से ये जेजेपी के विधायक जो है वो लोग किसानों को गालियां दे रहे हैं, इनकी गालियां देके ये आंदोलन को जो जिस तरीके से भटकाव की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, हम इनको बता देना चाहते हैं कि हम तुम्हारी ऐसी गालियों का जवाब जो है वो भी देना चाहते हैं। तुमने जो जो गाली किसानों को दी है सब गालियों का, एक एक गालियों का हिसाब जो है वो लिया जाएगा। और तुम लोगों को किसानों ने वोट देके विधानसभा में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा कि तुम हमें गालियां दोगे। हमें शर्म आती है ऐसे विधायकों को जो लोगों के बीच में जाके उनसे वोट लेके अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं और बाद में ही किसानों को गालियां देते हैं। ऐसे लोगों पे शर्म आती है कि इस तरीके के लोग हमारी विधानसभा के अंदर पहुंचे हुए हैं। और इनकी जो पार्टी है जेजेपी पार्टी, ये पार्टी काले कानूनों के साथ खड़ी है, जिसको 8 महीने से जो है लगातार सिरसा के अंदर मोर्चा लगा के उनके घर बंद कर रखे हैं। तो ये जेजेपी का विधायक जो क्या चीज है, इसके अकाउंट का भी हमने जो पैसा बंद कर रखा है, तो बबली जैसे चीज कुछ नहीं है। हम इस बबली को बता देना चाहते हैं कि बबली तुम्हारा बलगम बना के हम दीवार के चिपका देंगे, किसी भ्रम में मत रहना। किसानों को जो गालियां दी गई वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबक सिखाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, इसके लिए तो सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। हम इस बबली को बता देना चाहते हैं, तुम बबली तुम्हारा सरगम बना के दीवार को चिपका देंगे, तुम भरम में मत रहना किसी को। तुम किस पार्टी के विधायक हो, तुम्हारे आंकड़ों का 8 महीने से पैसा बंद कर रखा है, सिरसा के अंदर 8 महीने से तुम्हारे आंकड़ों का घर गिर रखा है। उनकी औकात नहीं है किसानों के बारे में, कुछ क्या है जो तुम किसानों के बारे में दे सकते हो, गालियां दे सकते हो। ऐसे विधायकों को न तो किसी गाँव में जाने दिया जाएगा, ऐसे विधायकों को सामाजिक बहिष्कार हम कहें को समर्थन करने वालों का पहले ही कर सके। उसके बावजूद ये लोग गलियों में निकल कर और ये चौराहों पे आकर जान बोझ कर इस तरीके के हथकंडे करें ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन हम इन सभी को जेजेपी बीजेपी के विधायकों को और जेजेपी के इनके आकाओं को बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी आदमी ने तुम्हारे विधायक ने किसानों के बारे में गलत शब्द बोला, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो तुम्हारे को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। कोई भी आए, कोई भी किसान को गाली देगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान अन्नदाता है जो अनाज पैदा करके इस धरती का सीना चीरते अनाज पैदा करते हैं। हम ये हर तुम्हारी छाती में भी चला सकते हैं अगर तुम लोग बाज नहीं आए अपने हरकतों से। इसलिए आज हम सिरसा से आपके इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं। और पिछले 8 महीनों से सिरसा के अंदर पक्का मोर्चा आप लोग गए थे, 6 अक्टूबर को जो किसान चौराहा का घेराव किया था, आप यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में गए थे, उनका पैसा बंद हो रखा था पब्लिक पर, जैसे विधायक का चीज है। ऐसे लोग जो है ऐसी हरकत करते हैं, उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। ऐसे विधायकों को हम सबक सिखाएंगे और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। अपनी बात समाप्त करेंगे आप लोगों का।